गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू शर्मिला ब्लॉग। तो सुबह सुबह घड़ी में बज गए हैं 11:15। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। चाय पी रही हूँ। आज एक रेसिपी बनाऊंगी, हो सकता है कल आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए रेसिपी के लिए क्या क्या ज़रूरत है आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों आ चुकी हूँ अभी किचन में। आज एक जो चिकन का पाकस्थली होता है स्टमक, उसका रेसिपी करूंगी। तो चलिए इसको काट के फिर आती हूँ। तो ये रकम भावे तो ऐसे करके काट लूंगी। तो ऐसे करके सारे स्टमक को काट लूंगी। तो अभी उसके अंदर दूंगी दो प्याज बारीक कटी करके, बारीक कटी मतलब ऐसे। अदरक और हरी मिर्च, लवण, सॉल्ट, रसुन पेस्ट, हल्दी, लंकार गुड़ो पाउडर, सूखी मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। मैं जो भी लिया है मेरा परिमाप अंतर से लिया है, इंग्रेडिएंट्स जो भी लिया है, ठीक है। तो नींबू, नींबू रस, थोड़ा सा दही, साथ में जो मैंने सब सारे मसाला लिया है वो सारे चीज़ों को दे दिया, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा करके मस्टर्ड ऑयल दे देना है। तो इसको अच्छे से अभी माख के 10 मिनट तक रख देना है। 10 मिनट बाद फिर आती हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से मिला के ढक्कन, हाँ ढक्कन से इसको बंद कर देना है। तो दोस्तों 10 मिनट बाद जो रेसिपी है उसके लिए मुझे चाहिए केक वाला पोजीशन, जो हमारे पास तो ओवन नहीं है, तो मैं बाली के ऊपर ही बनाती हूँ। तो चलिए अभी इसके ऊपर क्या करती हूँ दिखाती हूँ। 10 मिनट बाद चली आई हूँ। अभी ए वाला जो केक का पैन है इसको मुझे चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, तो अनाज के दाने को थोड़ा सा तोड़ लिया है।
तो आप चाहे तो हरी मिर्च को फाड़ के दे सकते हैं, मैं गोटा दे देती हूँ। तो अभी कंटेनर को अच्छे से भर के अंदर भर देना है। दे देना है और साथ ही साथ बाली को इसके चारों तरफ ऐसे और एक ऐसा वाला ढक्कन चाहिए। अभी ऊपर से इस हंडी को बड़ा हंडी को ढक्कन और थोड़ा गैस फ्लेम को कम करके देना है। आधे घंटे तक होना चाहिए, फिर इसको देख के चेक कर लूँगी हुआ के नहीं, और आप लोगों को भी हम दिखाएंगे। हाँ, तो दोस्तों अभी जो मछली है पहले वाला वो खाना है आज दोपहर में, तो चलिए मछली को गरम कर लेते हैं। तो बेटा खाएगा पतीले बू, बेटा का बाप खाएगा गंधरस लेबू, बेटा का दीदी खाएगा पतीलेबू, और बेटा का मम्मी बेटा का बाप खाएगा गंधरस पति दोनों, और बेटा का मम्मी खा लेगा पूरा खा लूंगी। तो गाइस हम लोग बैठ गए अभी खाने के लिए, तो मम्मी अभी परोसेगी। अब लोग चावल बोलते हैं, हम लोग भात भी बोलते हैं। राइस भात सब बोलते हैं। मुखबे ना भात ऊपर खाबे। তুই কি খাবি? আমি তো ওই মাছটা খাবো বললে যে। ওই যে মাছ। ওই যে মাছ। এই যে চিকেন। চিকেন। বাস এই খেনে। ঠিক আছে। এই বেলা। ভাজা ও ডাল। না ডাল না। তো চলো গাইস আজকে লাঞ্চ কর লেতে হবে। আর এই মাছলি। চলো। চল। তো ও যে কাল কা বহুত কিছু হ্যাঁ ও সব আগে খানা হ্যাঁ और जो अभी बनाया है वो आपको खाना। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं वो वाला रेसिपी। तो दोस्तों देखिए ये जो है ना 45 मिनट, हाँ 45 मिनट्स इसको गर्म किया है। तो गाइस देखा आपने गर्म हो गया। तो देखिए आप लोगों को ये जो नमक दिया था ऊपर, तो आप लोगों को ऐसा शेयर करना भूल गई थी मैं, तो अभी देख लीजिए इसके ऊपर ढकने के ढक्कन के ऊपर नमक दे दिया था। तो चलिए ओपन करते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है चिकन। तो चलिए अभी आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना सुंदर पके है। तो देखिए कितना नरम हो चुका है। ठीक है, आप चाहे तो एक ऐसा भी कंटेनर ले सकते हैं जिसका मुंह ढका हुआ है एकदम, हाँ तो उसके हाँ उसके ऊपर एकदम नमक से या बाली से ढक सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जैसा केक पकाती हूँ ऐसे ही किया है। ठीक है, चलिए तो चलिए अभी इसको उतार लेते हैं और चावल के साथ परोसते हैं। এরকম
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फिर से कर रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये चिकन का जो पाकस्थली है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। टिटी के लिए परोस दिया है।